एंड नाउ फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के लिए फॉर्म का मतलब होता है झाग बनना। तो यदि कोई झाग बन रहा है या बबल्स बन रहे हैं तो वो कहलाता है फॉर्मिंग। तो उसमें बॉयलर प्रॉब्लम किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बॉयलर बनाया हुआ है और उस बॉयलर में जो भी पानी इनलेट हो रहा है, यदि मान लीजिए उसमें ऑयल या ग्रीस की इम्प्यूरिटी है, तो ऑयल या ग्रीस की इम्प्यूरिटी होने से वो पानी में प्रेजेंट जो एल्कली है, एल्कली जो प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके सोप का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो सोप से झाग बनता है। और झाग बनने के बाद जो बबल्स बनते हैं वो बबल्स इतने परसिस्टेंट होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते। और इजीली ब्रेक नहीं होते हैं तो उससे जो यहाँ पर स्टीम का जनरेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम देखते हैं कि ऑयल या ग्रीस के साथ जब एल्कली रिएक्ट करता है तो किस तरीके से सोप का फॉर्मेशन होता है। और एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है कि ये ऑयल या ग्रीस की इम्प्यूरिटी हमको पानी में कहाँ से मिली। तो पानी में जब यहाँ पर शिप वगैरह होती है या कोई भी वाटर पंप वगैरह होते हैं या कोई भी मशीनरीज है जो पानी में रन हो रहे हैं, तो उन मशीनरीज में हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट मटीरियल। और वो लुब्रिकेंट मटेरियल जब वहाँ पर पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका डिसॉल्व होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और पानी में मिक्स होते चले जाते हैं। तो पानी में प्रेजेंट हो गया ऑयल या ग्रीस की इम्प्यूरिटी और अल्कली जो है वो पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वो रिएक्शन करके सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर यह है ऑयल या ग्रीस, कोई भी हो सकता है, और इसमें इसने रिएक्ट किया हुआ है अल्कली के साथ। अल्कली जो है ये अल्कलिटी वाटर में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्साइड आयन है या कार्बोनेट आयन है तो ये पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन्होंने रिएक्ट करके और बना लिया है सोप, और जहां पर सोप बनेगा वहां पर फॉर्म का फॉर्मेशन होना है, फॉर्म बनती है, लेदर बनता है। तो अब यहाँ पर यह हुआ कि जब हमने इसमें पानी डाला और ये पानी में मान लीजिए यहाँ पर सोप है, तो सोप क्या करेगा, इसमें बबल्स बना देगा। ये बबल्स का फॉर्मेशन जो है वो सोप में यहाँ पर होगा। और ये बबल्स इतने परसिस्टेंट होते हैं, एकदम इजीली ब्रेक नहीं होते। तो ब्रेक नहीं होने की वजह से अब हुआ ये कि यहाँ से मान लीजिए स्टीम को निकलना है तो ये स्टीम को जो है वो निकलने नहीं देंगे। बबल्स फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि सोप क्या करता है, पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कर देता है कम। तो सरफेस टेंशन कम होता है तो बबल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और ये कहीं ना कहीं बॉयलर की वर्किंग को अफेक्ट करता है। अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं और हमको क्यों, मतलब किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिमूवल है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी कभी रिमूवल की बात आए तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए उसके सोर्स पे। तो इसका सोर्स क्या है, ऑयल या ग्रीस। तो यदि हम ऑयल या ग्रीस वाला वाटर बॉयलर के अंदर ना डालें तो जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यदि मान लीजिए ऑयल प्रेजेंट है तो उसके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस के रिमूवल के लिए हम इसमें यूज करते हैं कोएगुलेंट मटेरियल जो है वो यूज। तो ऑयल या ग्रीस के जो रिमूवल के लिए हम यूज करते हैं आर रिमूव्ड बाय कोएगुलेंट मटेरियल। कोएगुलेंट मटेरियल का यूज जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऑयल या ग्रीस जो होती है उसको हम कोएगुलेंट से अलग कर सकते हैं। तो कोएगुलेंट में हम क्या यूज करेंगे, हम करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक कोएगुलेंट मटेरियल है, या फेरस सल्फेट। सोडियम एल्यूमिनेट या यहाँ पर हम फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। तो ये जो है ये ऐसे कोएगुलेंट हम यूज करेंगे।
और कोएगुलेंट मटेरियल का क्या काम होता है कि ये ऑयल या ग्रीस की जो ड्रॉप्स है उसको वो एंट्रैप कर देता है और एंट्रैप करके उसका रिमूवल जो है वो इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट रिमूवल जो है हम किसका कर दे, सोर्स का कर दे। फिर सेकंड जो है इसमें हम कैस्टर ऑयल का यूज भी करते हैं। तो कैस्टर ऑयल का जो हम यूज करते हैं तो कैस्टर ऑयल भी जो है एक एंटी फोमेंट है, और एंटी फोमेंट होने की वजह से जब हम यहाँ पर कैस्टर ऑयल डालते हैं तो ये क्या करता है, कैस्टर ऑयल इसके पानी के जो सरफेस टेंशन है उसको वो डिक्रीज नहीं होने देता, और जब डिक्रीज नहीं होता है, सरफेस टेंशन एकदम प्रॉपर बना रहता है, तो बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और फॉर्मिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और बॉयलर में होने वाले जो ट्रबल है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।